मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एक चार्टर्ड प्लेन के क्रैश लैंडिंग के चलते 8 लोग जख्मी। सीसीटीवी में कैद मुंबई एयरपोर्ट पर हादसे की तस्वीरें, विशाखापट्टनम से मुंबई आ रही थी चार्टर्ड फ्लाइट। क्रैश लैंडिंग के बाद से दो टुकड़ों में बटा यह प्लेन, बाल बाल बचा, दूसरा रनवे पर चल रहा एक विमान। गाजियाबाद में अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे गिरकर पलटी बस, हादसे में 20 यात्री जख्मी, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आसनसोल में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद, वीडियो में एक युवक पेट्रोल पंप पर गोलीबारी करता दिखा। लखनऊ में अस्पताल के बाहर हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहे युवक की मौत, बुरी तरह से दूसरा शख्स जख्मी। ब्लास्टों में से दोनों युवकों के शरीर के चीरथड़े उड़ गए, सिलेंडर फटने के बाद पास में खड़ी एक कार भी जल गई। गुरदासपुर में बॉक्सिंग खिलाड़ी ने प्रेमी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, लड़की ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो। धौलपुर में विवाहिता से बंदूक की नोक पर दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। मुंगेर में नाबालिग बेटी ने दिया पिता को झांसा, झूठा वीडियो भेजकर पिता से मांगी 30 लाख रुपए की फिरौती। पाली में लोगों ने एएसआई पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, मामले की जांच जारी है। बाराबंकी में बरसात के बाद कच्चे मकानों की मुसीबतें बढ़ी, मिट्टी की दीवार गिरने से 40 साल की एक महिला की मौत। बाड़मेर में तकनीकी खराबी के कारण एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मोतिहारी में नशे के कारोबारियों पर मोतिहारी पुलिस का डंडा चला, दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। फिरोजपुर कैंट में एक शख्स ने महिला की दुकान पर जाकर खुद को लगा लिया आग, महिला की दुकान में भी आग लग गई। गाजियाबाद में एक मिनी फूड प्लाजा शॉप में लगी आग, कड़े मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सोनभद्र में 90 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में निशुल्क मोबाइल वितरण केंद्र पर पुलिस ने की मारपीट, डंडों से युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। देवघर में बिजली विभाग की मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन, 14 दिनों से नहीं मिल रही है बिजली। मध्य प्रदेश के रायसेन में शिक्षक ने 7वीं कक्षा की बच्ची के साथ की मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस। आतंकी सैफुल्ला के दो साथियों आतिफ मुजफ्फर और फैसल को एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, 5 लाख का जुर्माना लगाया। बिहार के रोहतास में 300 युवाओं को दी गई है तैरने की ट्रेनिंग, आपदा में बचाएंगे लोगों की जान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश। बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूटा, दोनों ओर फंसे हैं वाहन। जयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला, भारी बारिश के चलते शहर भर में पानी जमा हुआ। शिमला में आगामी दिनों में फिर से सक्रिय होगा मॉनसून, मध्यम से भारी बारिश की संभावना। प्रदेश में सितंबर के आखिर सप्ताह तक जारी रहेगा मॉनसून का दौर, मौसम विभाग का अलर्ट। आज शहीद कर्नल मनप्रीत का पंचकुला में, तो शहीद मेजर आशीष का पानीपत में अंतिम संस्कार, अनंतनाग में अब तक 4 जवान शहीद। अनंतनाग के कुकेरनाग में 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है, सुबह निर्णायक ऑपरेशन की संभावना है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इंडिया टुडे से बातचीत की, कहा कि हमने आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। अनंतनाग में छिपे आतंकियों की घेराबंदी जारी है, सेना का सर्च ऑपरेशन, क्वाडकॉप्टर और ड्रोन से रखी जा रही है नजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़गाम में शहीद डीएसपी के परिवार से मुलाकात की, जताई संवेदना है। अनंतनाग में चल रहे आतंक विरोधी अभियान के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की। फारूक अब्दुल्ला का बयान, जम्मू कश्मीर में खून खराबा खत्म करने के लिए बातचीत जरूरी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का पलटवार, फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार ने जम्मू कश्मीर पर कुशासन किया है। फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान दौरे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, कश्मीर की दुर्दशा के लिए वही है जिम्मेदार। आतंक और शहादत पर केंद्र का बयान, बोले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, पाकिस्तान को करो अलग थलग। प्रधानमंत्री का विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष, कहा कि वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। गठबंधन इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के तंज के बाद कांग्रेस का पलटवार, सनातन धर्म को अस्तित्व के लिए किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं। अमित शाह की हिंदी एकजुट करती है वाली टिप्पणी पर उदयनिधि स्टालिन का वार, कहा कि हिंदी तमिलनाडु और केरल को कहां जोड़ती है। शाह के
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट का जवाब देते हुए स्टालिन ने कहा कि सशक्तिकरण कहां आता है। आज एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले नितिन गडकरी, पिछले 9 सालों में हुआ तेजी से विकास। गठबंधन इंडिया पर गडकरी का बार कहा कि पुरानी दुकान पर लगाया नया बोर्ड, 24 में फिर लौटेंगी बीजेपी। 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र का एजेंडा फाइनल, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समेत 4 बिल पर चर्चा। कल बिहार के अररिया का दौरा करेंगे गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, जोगबनी में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर आवासीय भवनों का उद्घाटन करेंगे। एमपी के खंडवा में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस बनकर तैयार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर को करेंगे लोकार्पण। आज होगा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव, वर्तमान राज्यसभा सदस्य के निधन के बाद खाली हुई सीट। राजस्थान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पेट्रोल पंप संचालक, वैट की उच्च कीमतों का विरोध। नू हिंसा मामले में बड़ी गिरफ्तारी, विधायक मामन खान को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया, कुछ दिन पहले मोनू मानेसर हुआ था अरेस्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपडेट, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने की कविता से को पूछताछ के लिए बुलाया। आज से स्पेन के दौरे पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, राज्य में निवेश आकर्षित करना है दौरे का मकसद। कोलकाता में एक शख्स ने ऑटिस्टिक बच्चों को सिखाने के लिए बनाया रोबोट, लोगों ने इस कदम को खूब सराहा है। पठानकोट में 2 जुड़े भाई सेना में लेफ्टिनेंट बने, पासिंग आउट परेड कंप्लीट कर पठानकोट पहुंचे। वाशी में धूमधाम के साथ मनाया गया किसानों का सबसे बड़ा त्योहार पोला, बैलों को नहलाकर सजावट की गई। अकोला में उत्साह के साथ मनाया गया बैलों का पोला, सबसे बेहतरीन सजे बैल को दिया गया पुरस्कार। मुंबई में गणेश चतुर्थी उत्सव के धूम, इको फ्रेंडली तरीके से बनाई जा रही हैं मूर्तियां। एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत से भिड़ेगा श्रीलंका, सुपर फोर के मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से मात दी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 42 ओवर में 252 रन बनाए, बारिश की वजह से कम किए गए थे ओवर्स। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने बनाए 52 रन, रिजवान ने 86 रनों की नाबाद पारी खेली। श्रीलंका के कुशल मेंडिस ने खेली 91 रनों की जिताओ पारी, जमाए 8 चौके और 1 छक्का, सदीरा ने 48 रन का योगदान दिया। श्रीलंका के चलित असलंका ने नाजुक लम्हों में शानदार बैटिंग की, नाबाद 49 रन बनाए, 11वीं बार श्रीलंका की टीम फाइनल में पहुंची।